Hello student, in previous class we have completed unit 2. Now in this class we are discussing about the wind turbine. So what is the wind turbine? It is such type of turbine through which we have convert the wind energy into the mechanical energy. Okay. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस, ऐसा मशीन है जिसके थ्रू विंड एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू जनरेटर या अल्टरनेटर। ओके, सो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विंड टर्बाइन? फर्स्ट अपॉन इन टर्बाइन देयर आर 4, 5 या 6 ब्लेड इंस्टॉल ऑन द हब ऑफ टर्बाइन एंड दिस टर्बाइन सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ सफिशियंट हाइट। जो हमारा टर्बाइन होगा विंड टर्बाइन के हब से हम ब्लेड को क्या करेंगे, विंड जो हमका एयरोफॉयल स्ट्रक्चर का ब्लेड होता है उस ब्लेड को क्या करेंगे, हम अटैच करेंगे। वी हैव अटैच द ब्लेड विद द हब ऑफ विंड टर्बाइन। ओके, सो व्हेन तो एकदम टॉप जो भी हमारा टावर होगा, जो भी हमारा आप देख सकते हैं टावर, आप पिक्चर में देख सकते हैं ये टावर, टावर के टॉप पे क्या क्या सफिशियंट हाइट पर हम क्या करते हैं, उसको सिचुएटेड कर देते हैं, इसको हम सपोर्ट यानी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इसको हम फिक्स करते हैं टॉप ऑफ द टावर। जब एयर स्ट्राइक करता है, विंड स्ट्राइक करेगा ब्लेड के, तब ब्लेड क्या करेगा, रोटेट करना है स्ट्राइक। ड्यू टू डिजाइन एंड अलाइनमेंट ऑफ द रोटर ब्लेड, जो रोटेट ब्लेड है इसका ऐसा डिजाइन होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है एरोफॉयल स्ट्रक्चर होता है, जो इसका ब्लेड होता है विंड टर्बाइन का, जो ब्लेड आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 ब्लेड है, तो तीनों ब्लेड का जो स्ट्रक्चर होता है एरोफॉयल होता है, और ये हो सेल्फ अलाइनमेंट होता है यानी ये एडजस्टेबल होता है। अगर बहुत अधिक एयर फ्लो हो, ठीक है, बहुत एयर फ्लो हो तो उसको एडजस्ट करके उसका एंगल को, एंगल ऑफ अटैक जो होता है एरोफॉयल का कम कर दिया जाता है। ओके, वहीं बहुत हाई कम कर दिया जाता है। अगर विंड का फ्लो बहुत कम हो तो हम उसको एंगल ऑफ अटैक को हाई कर देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा जो हमारा विंड टर्बाइन है वो क्या स्मूथली का करे, रोटेट करे। ओके, अब देखें, अब जब और ये जो ब्लेड है, जो ब्लेड है, ब्लेड कनेक्टेड होता है हब से, आप देख सकते हैं बीच में ये जो कनेक्शन है, ये बीच वाला पार्ट है हब, अब हब से कनेक्टेड, और हब कनेक्टेड होता है टर्बाइन से, और टर्बाइन कपल्ड होता है आपके गियर बॉक्स होता है, और गियर बॉक्स कपल्ड होता है आपका जनरेटर से। और जब जनरेटर क्या करेगा, जब विंड फ्लो होगा स्ट्राइक करेगा तो जनरेटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिसके चलते हम करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये हुआ आपका एक ब्रीफ है। अब देखिए वर्किंग ऑफ विंड टर्बाइन, अब देख सकते हैं When the wind strike the blade, rotor blade, blade start rotating, जब strike करेगा air blade से तो blade क्या करेगा, rotate होना start करेगा, और turbine rotor है वो connected होता है gear box से, high speed gear box, तो high speed gear box क्या करेगा, क्योंकि आप देखे होंगे जो टर्बाइन, विंड टर्बाइन का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ विंड टर्बाइन वेरी लो, तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड को स्पीड अप करने के लिए
हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स का यूज करते हैं। गियर बॉक्स क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करेगा लो रोटेशनल स्पीड को हाई रोटेशनल स्पीड में, ओके। और शाफ्ट जो होगा, और ये किसे कप आप देख सकते हैं, ये है आपका विंड टरबाइन, विंड ये है आपका रोटर है, ओके, ये रोटर है। और इस ये हुआ बीच वाला आपका हब, हब से कनेक्टेड है आपका रोटर, और हब से कनेक्टेड है फिन्स, और फिन डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका लो स्पीड शाफ्ट है। और देखिए यहाँ पर गियर बॉक्स है, ये छोटा गियर है, और ये बड़ा गियर है, बड़ा गियर कनेक्टेड है मेस विद द स्मॉल गियर। तो ये अगर स्लोली स्लोली मूव करेगा तो हाई स्पीड में मूव करेगा छोटा गियर, ओके, क्योंकि स्पीड रेशियो इसका क्या होगा, अधिक होगा, ओके। ये आप देखिए, ये जो हाई स्पीड जो आपका गियर है, हाई स्पीड जो शाफ्ट है, जो हाई स्पीड गियर है, वो कनेक्टेड है किसे, जनरेटर से। और जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब जनरेटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, करंट का प्रोडक्शन होगा। ये है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो भी आपको करंट फ्लो कराना है, कटअप करना है, जो भी करना है, जैसे यहाँ पर आपका रेक्टिफायर लगे रहते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा, तो ये सब डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर रेक्टिफायर लगाए रहते हैं, ओके। अब देखिए एक यहाँ पर है रोटर ब्रेक, ये है जो, ये जो आपका रोटर है, रोटर को रोकने के लिए हम एक कंपोनेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम बोलते हैं रोटर ब्रेक। यानी इस फिन्स को मूवमेंट को रोटर स्टॉप करने के लिए। तो ये हुआ आपका वर्किंग ऑफ विंड टरबाइन, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट, ओके। विंड पावर विट एनर्जी इज यूज टू विंड टरबाइन, ओके, विंड टू प्रोवाइड द मैकेनिकल एनर्जी थ्रू द विंड टरबाइन टू टर्न द इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ओके, एंड ट्रेडिशनली टू द अदर वर्क लाइक मिलिंग, पंपिंग एसेट्रा एसेट्रा। यानी विंड पावर के यूज कर, विंड पावर में हम कहते हैं विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और थ्रू विंड टरबाइन, ओके, और फिर इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू जनरेटर। और इस सब का हम इस पावर का, जो विंड पावर है, उसका हम यूज करते हैं फॉर ऑपरेटिंग ऑफ मेनी वर्क सच एज मिलिंग, पंपिंग, ओके, एसेट्रा, ओके। ये जो हमका विंड पावर है, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑल ऑफ यू नो, ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, एंड हैज स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी इट इज द इको फ्रेंडली, ओके। सच टाइप ऑफ एनर्जी इज इको फ्रेंडली, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवेलेबल विंड पावर फॉर्मूलेशन, यानी जो विंड पावर आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा। तो विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी दैट डिटरमाइन द टोटल पावर इन द विंड, ओके। तो विंड एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डिटरमाइन द टोटल पावर ऑफ विंड, टोटल पावर इन द विंड, ओके। जो भी एनर्जी है विंड में, जो रिन्यूएबल सोर्सेस से आ रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल पावर ऑफ इन द विंड, ओके। द विंड टरबाइन विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन टू द मैकेनिकल एनर्जी, ओके, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इन टू द मैकेनिकल एनर्जी, वेयर इन मैकेनिकल पावर इज कन्वर्टेड इन द इलेक्ट्रिसिटी विद एक्ट एज ए यूज ऑफ सोर्सेस, यूजफुल सोर्सेस, ओके, जैसे जनरेटर एसेट्रा एसेट्रा, ओके। यानी इसमें जो आपका एक तो जो टोटल विंड एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करते हैं, और वो विंड टरबाइन के थ्रू एयर के काइनेटिक एनर्जी को, यानी विंड के काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ओके।
कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द यूज ऑफ जनरेटर या अदर यूजफुल सोर्सेस। ओके, तो ये है आपका पावर, ठीक है। तो पावर अवेलेबल, ठीक है, पावर विंड पावर, ओके, विंड पावर इज इक्वल टू होता है सी पी रो ए वी क्यू बाय टू, सॉरी, यानी विंड पावर इक्वल टू होगा सी पी रो ए वी क्यू बाई टू। अब पी है आपका पावर, आप इसको ले सकते हैं वाट में, ओके। एयर डेंसिटी है तो मीटर क्यू पर केजी, ओके। ए है आपका स्वेफ्ट एरिया ऑफ द ब्लेड, आर गिवन ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा विंड है, विंड का टोटल ब्लेड जो हवा में लगे हुए थे, उसका जो सर्कुलर एरिया है, यानी विंड का, यानी जो फिन्स है उसके, फिन्स का जो लेंथ होगा, वहीं उस स्विफ्ट एरिया का क्या होगा, रेडियस होगा, और जो उससे उस रेडियस से जो सर्किल बनेगा वो होगा आपका स्विफ्ट सर्किल, जो आपका यहाँ पर ए है। तो इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट, ओके। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ब्लेड, ओके, रेडियस ऑफ द ब्लेड या लेंथ ऑफ द ब्लेड, ओके, आर इज द लेंथ ऑफ द ब्लेड या रेडियस ऑफ द ब्लेड। वी द वेलोसिटी तथा विंड है आपका, सीपी है पावर कोएफिशिएंट। अब टर्म आया आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इन विंड टरबाइन, पावर कोएफिशिएंट। तो पावर कोएफिशिएंट क्या है, ये है आपका सीपी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस बाय द विंड टरबाइन, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल विंड पावर फॉलोइंग इन टू द टर्बाइन ब्लेड एट द स्पेसिफिक विंड। इट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द विंड टर्बाइन टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ विंड टर्बाइन, यानी दोनों का जो रेशियो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ऑफ विंड टर्बाइन या मैकेनिक, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ विंड टर्बाइन टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ विंड टर्बाइन, ओके, यानी इसके दोनों का जो रेशियो होगा एट गिवन स्पीड पे, इन स्पेसिफिक विंड स्पीड पे, तो जो इसका जो रेशियो होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, पावर कोएफिशिएंट। ये जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पावर कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है कंबाइन एफिशिएंसी ऑफ वेरियस विंड टरबाइन सिस्टम के, वेरियस विंड टरबाइन सिस्टम कंपोनेंट को, यानी कंबाइन एफिशिएंसी है सबका, किसका, बहुत से जो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं, जैसे टरबाइन ब्लेड, शाफ्ट बेयरिंग, गियर ट्रेन, जनरेटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, इसका जो कंबाइन यानी टोटल होल यानी कंबाइन जो एफिशिएंसी है वो होता है आपका पावर एफिशिएंसी, ओके, पावर कोएफिशिएंट, ओके, जो पावर कोएफिशिएंट है वो आपका कंबाइन एफिशिएंसी है, ओके, जो बहुत से कंपोनेंट मिलकर बना हुआ, यानी स्टार्ट होगा कहाँ से, यानी एनर्जी आउटपुट बाय में एनर्जी इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इनपुट क्या होगा आपका विंड एनर्जी, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो देगा ऊपर पावर कोएफिशिएंट, यानी जितने भी कंपोनेंट उसमें से मिलकर बने हुए हैं सबका ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वही देता है ओवरऑल एफिशिएंसी पावर कोएफिशिएंट, ओके, पावर कोएफिशिएंट को ही बोलेंगे क्या, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ विंड टरबाइन, यानी कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ विंड टरबाइन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी। तो ये थे जर्मन के फिजिस्ट थे अल्बर्ट बेट्ज, 1919 में इन्होंने बोला, इन्हें स्टेटमेंट दिया कि कोई भी विंड टरबाइन हो वो टोटल विंड टरबाइन के यानी विंड एनर्जी का
सिर्फ 59.3% ही क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी उसके यानी जो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है विंड का, यानी विंड एनर्जी को वेट विंड एनर्जी का 59.3% ही क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और इसी लॉ को बोला गया, इन्होंने दिया स्टेटमेंट दिया, इन्होंने क्या है प्रैक्टिकली स्टेटमेंट दिया, प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंटल है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल थेसिस या एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किया जिसके थ्रू इन्होंने पाया दे हैव अचीव मैक्सिमम पावर जनरेटेड बाय द विंड टरबाइन अप टू द 59.3%। ओके सो एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बेड्ज लिमिट या बेड्ज लॉ। थ्योरेटिकली मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ एनी डिजाइन ऑफ विंड टरबाइन इज 0.59। इट मीन्स वी हैव मैन्युफैक्चर द एनी टाइप ऑफ विंड टरबाइन दे हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 0.59। ओके तो ये था आज का हमारा विंड टरबाइन का पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट कल अपलोड करेंगे। ओके थैंक यू। और आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे और उसका नोट डाउन करने के बाद उसका पीडीएफ क्लासरूम पे और व्हाट्सएप पे क्या करेंगे आप लोग सेंड करेंगे। दिस इज द असाइनमेंट। ओके थैंक यू।